तपन घोष जी, हिंदू पोस्ट में आपका स्वागत है। तपन घोष जी बहुत ही पुराने हिंदू एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने 31 साल तक आरएसएस के अंदर प्रचारक के रूप में काम किया था। अब वहां से छोड़कर इन्होंने उसके बाद हिंदू समिति कई सालों से उन्होंने एस्टेब्लिश की है और हिंदुओं के राइट्स के लिए और हिंदुओं में हिम्मत बांधने के लिए वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, जो कि बाकी भारत के हिंदू एक्टिविस्ट के लिए एक मिसाल है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम तपन जी से बात करने आए हैं हिंदू पोस्ट के लिए। तपन जी, आप ये बताइए कि बंगाल ने कई पार्टीशन देख लिए। एक सबसे पहले जो हुआ था बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जब ईस्ट पाकिस्तान बना था तब फिर बंगाल ने वो पीड़ा देखी थी पार्टीशन की। क्या फिर एक बार बंगाल पार्टीशन की तरफ बढ़ रहा है? ऐसा है कि यह संभावना जरूर है, क्योंकि सन 47 में एक बार मुसलमानों के नाजायज मांग के सामने झुककर हमारे देश का लीडरशिप ने, नेतृत्व ने भारत माता का विभाजन स्वीकार कर लिया, देश का खंडकरण स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी आफ्टर लॉन्ग 43 इयर्स कश्मीर हिंदू विहीन हुआ है। इससे बार बार वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात याद आते हैं कि अगर पार्टीशन के बाद पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं करोगे तो पार्टीशन का जड़ बीज यहां रह जाएगा, यानी मुसलमान रहेगा तो उसका सेपरेटिस्ट टेंडेंसी रहेगा, और सेपरेटिस्ट टेंडेंसी रहेगा तो फिर भी कभी भी पार्टीशन, दोबारा पार्टीशन का बीज यहां रह जाएगा। यही बात तो प्रमाणित हुआ 1990 में जब कश्मीर से सभी हिंदुओं का निष्कासन हो गया। यानी सन 47 में देश के विभाजन को स्वीकार करते हुए भी हिंदू मुस्लिम मसला सॉल्व नहीं हुआ, यही तो प्रमाण होता है कश्मीर से हिंदू निष्कासन में से। इसी तरह बंगाल में भी जब 1947 में केवल 19% मुसलमान रह गया था, 19% भी कोई कम नहीं होता है, फिर भी 19% हो रह गया था, आज वो 19% बढ़ते बढ़ते 30% हो गया। और 30% जो होता है उसको कभी माइनॉरिटी नहीं कह सकते, वो तो सेकेंड मेजोरिटी होता है। माइनॉरिटी तो होता है 2%, 4%, 5% में माइनॉरिटी होता है, ये तब सेकेंड मेजोरिटी हो गया है। और ये दबंग और बुली और साथ साथ उनके अंदर जो दारुल इस्लाम का जो ख्वाब है, उस ख्वाब के कारण और उनके अंदर कंटिन्यूअसली जो वहाबिज्म जो प्रसार हो रहा है, इसके कारण कभी भी दोबारा बंगाल पार्टीशन हो सकता है। बंगाल का और एक हिस्सा, खास करके गंगा के पूर्वी जो साइड है, इस साइड ऑफ गंगा, ये फिर से पाकिस्तान बन सकता है, पाकिस्तान का मांग हो सकता है। इसलिए हमें तो पक्का इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सन 47 में गांधी नेहरू का नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम सॉल्व करने में असमर्थ हो गए, विफल हो गए, फेल्योर हो गए, उसी के कारण कश्मीर आज हिंदू विहीन हो गए, उसी के कारण आज भारत में हजारों की संख्या में मिनी पाकिस्तान बन चुका है, और बंगाल कभी भी दोबारा खतरे में आ सकता है। इसलिए संभावना तो जरूर है, और उसके लिए, उस संभावना का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये सब बात सुनकर हिंदू डिप्रेस हो जाएगा जी, हिंदू पहले ही बहुत डिप्रेस है, तो कोई अच्छी खबर है क्या हिंदू के लिए? देखिए, चाहे डिप्रेस हो चाहे उत्साहित हो, लेकिन सबको तो वास्तविकता की जमीन पर आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कोई सपने में तो रहना नहीं चाहिए, कोई मोह में तो रहना नहीं चाहिए। इसलिए वास्तविकता यह है, रियलिटी यही है कि बड़े तादाद में मुसलमान है, मुसलमान हिंदुओं के साथ खुल मिल नहीं सके, और उनके अंदर एक अलग आइडेंटिटी है। आज के तारीख में भी वो भारत माँ से ऊपर, वो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति से ऊपर अपने मजहब को समझते हैं, अपना अल्लाह, अपना रसूल को सबसे ऊपर समझते हैं।
इस रियलिटी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें चाहे डिप्रेशन हो कुछ भी हो। लेकिन मैं मानता हूं कि चूंकि एक बार हमने पार्टीशन देखा और हमारे लोगों ने पार्टीशन के न केवल देखा, उसको सहा, उसको भोगा, लाखों हिंदू बेघर हुए, करोड़ों हिंदू बेघर हुए, लाखों हिंदू महिलाओं का इज्जत लूटा गया, लाखों हिंदू कत्लेआम हुए, सारे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब लूट ले गए पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमानों ने। इसलिए आज जब यहां मुसलमानों का फिर से वो एग्रेशन जब हिंदू देखता है वो सचेत हो जाता है। इसलिए एक अवेयरनेस, एक कॉन्शसनेस तो जरूर बना है। इसलिए डिप्रेशन के साथ साथ मैं आशा की रोशनी देखता हूं। दो रोशनी मुझे नजर में आता है, ध्यान में आता है। एक था कि ग्रोइंग कॉन्शसनेस अबाउट द थ्रेट ऑफ इस्लाम, अबाउट द सेपरेटिस्ट टेंडेंसी ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, यह मैं देखता हूं। और दूसरा आशा का किरण मैं देखता हूं कि हमारे बंगाल में, एक पूरे देश में शायद एक गलत फहमी है कि बंगाली कायर है। हाँ है, लेकिन उच्च वर्ग बंगाली उतना हिम्मत वाले नहीं है। लेकिन बंगाली का, बंगाली का जो बंगाली हिंदुओं का जो पिछड़ा वर्ग है, जिसमें डोम, बागदी, हारी, नमशूद्र, मछुआरे कम्युनिटी, ये सब बहुत साहसी, बहुत हिम्मत वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारे बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पिछड़ा वर्ग है इनका कोई शे नहीं है, सोशल डिसीजन ये नहीं ले सकते, ये एक सोशल कंसेंसस ये नहीं बना सकते। इसलिए उच्च वर्ग के लोग ये मुसलमानों के नाजायज मांग के सामने झुककर अपना जमीन छोड़ के चले आए। और मैंने केवल इतना किया, ये पिछड़ा वर्गों को मैंने अपनाया, इनको मैंने ये समझाया कि अगर तुम पर कोई अन्याय होता है तो उसका प्रतिकार के लिए तुम्हें वो बाबू लोग, बड़े लोग, भद्र लोगों को चेहरे पर देखने का कोई जरूरत नहीं है। तुम स्वयं तय करो कि क्या करना है, इसका प्रतिकार करो। ये एक उनको सोशली एम्पावर करने के लिए मैंने भरपूर कोशिश किया, प्रयास किया, और उसमें कुछ हद तक मुझे सफलता मिली। इसलिए जगह जगह में आज के तारीख में बंगाल के गांव गांव में आज से 5 साल 10 साल पहले तक जो मुसलमानों का जो यादती होती थी हिंदुओं पर, जो फिजिकल असल्ट होता था, जो लड़कियों को रेप करना, उसको टीज करना, उसको मोलेस्ट करना, हिंदुओं का जमीन जायदाद जबरदस्ती कब्जे में लेना, हिंदू मंदिरों पर हमला करना, दुर्गा पूजा पर हमला करना, हमारे विसर्जन का शोभा यात्रा पर हमला करना, ये सब जो चलता था, या मान सकते कि कम से कम 70% ये बंद हो गया है। क्यों बंद हुआ? क्योंकि हमने हमारे पिछड़ा वर्गों को सोशली एम्पावर किया कि वो बदमाशी कर रहा है, आप तय करो क्या करना चाहिए, इसको बदमाशी को समाप्त करना चाहिए, अन्याय को नहीं मानना चाहिए इसको। इसलिए पिछड़ा वर्ग, स्वामी विवेकानंद जैसा कहा था कि हमारे मेरे सपने का भारत निकल का आएगा भुना वाला का, और चूल्हा के पास से हमारे नए भारत निकल का आएगा, उस बात पर मैं पूरा आस्था रखता हूं। और इसलिए पिछड़ा वर्गों को और ऊपर डिपेंड करके हमने हिंदू रेजिस्टेंस यहाँ गांव गांव में बनाने में हम सक्षम हुए, और आज गांव गांव में वो हिंदू रेजिस्टेंस का काम चल रहा है। हमने सुना था आप एक बार ममता बनर्जी की भी तारीफ कर रहे थे। हाँ, मैंने ममता बनर्जी का जो डेवलपमेंट है इस विकास में बोला कि ममता बनर्जी ने बंगाल के विकास में, सड़कें बनाने में, हॉस्पिटल्स में, इसमें काफी अच्छा किया था, और मैं जरूर तारीफ किया था। और मुझे कभी कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहने का कोई मजबूरी, कोई कंपल्सन है। ममता बनर्जी बंगाल में विकास का बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शुरू शुरू में उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण का बहुत गलत काम किया था, खास करके जो इमाम भत्ता, ये इमाम भत्ता, और उससे भी बहुत एक बहुत गलत काम ममता बनर्जी ने किया, जिस काम का शुरुआत सीपीएम ने करके गया था कि ओबीसी के कोटा के अंदर मुसलमानों को प्रवेश करा देना, और ममता बनर्जी ने आकर क्या किया, उसी को और आगे बढ़ा के एबीसी में, सॉरी ओबीसी में अति ओबीसी एक नया कैटेगरी बनाया, और मुसलमानों का लगभग 99% मुसलमानों का अलग अलग जो उसका जो बिरादरी होता है
उसको अति ओबीसी, एक्सट्रीम ओबीसी में उनमें डाल दिया और हमारे हिंदू ओबीसी बेचारा नॉर्मल ओबीसी में रह गया। इसके कारण और आज के तारीख में बहुत अधिक परिमाण में सरकारी नौकरी, पुलिस का नौकरी, ये मुसलमानों को मिल रहा है। ये ओबीसी में मुसलमानों के इसके कारण बहुत बड़ा हानि हुआ। लेकिन आज मैं ही मानता हूँ, हो सकती है और लोग मेरे साथ सहमत न हो, कि ममता बनर्जी भी को भी समझ में आ गया कि गलत हुआ है, इसलिए उसको करेक्शन करने के लोग भरपूर कोशिश कर रही है। आज के तारीख में जगह जगह में गंगा सागर तीर्थ स्थान इतना सुंदर बना दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तारापीठ को इतना सुंदर बना दिया, इसी तरह उन्होंने करेक्टिव मेजर कर दिया है। और एक बार ये ठीक है कि पिछले बार दुर्गा पूजा का विसर्जन और एक दिन रोककर ममता बनर्जी ने बहुत अन्याय काम किया था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा रिजेंटमेंट हुआ था। और इसलिए इस बार उन्होंने एक कर दिया कि चार दिन तक, 19 तारीख दशहरा है तो 19, 20, 21, 22 चार दिन तक इस बार विसर्जन का खुला छूट है। और उसके बाद 23 अक्टूबर को कलकत्ता का रेड रोड में, जहां पर आर्मी का कुछ होता है, 26 जनवरी का परेड होता है, वहां पर 100 दुर्गा पूजा पंडाल का जो प्रतिमा, उसका प्रदर्शन होगा, सामूहिक विसर्जन होगा। नाम सेकुलर रख दिया, कार्निवल, जिस तरह ब्राजील में कार्निवल होता है उस तरह कार्निवल के नाम से। और इस बार 100 से अधिक बड़े बड़े दुर्गा प्रतिमा का सामूहिक विसर्जन होगा सरकारी व्यवस्था से। अब कल्पना कर सकते कि सरकारी व्यवस्था से ये सब कर रहे। और ममता बनर्जी है हिम्मत वाली, उनको ये डर तो होना चाहिए था कि भाई इतना मूर्ति, जो प्रतिमा मूर्ति स्टैचू क्या नाम, ये इस्लाम में तो गुनाह है, फिर भी सरकार उसके लिए सारे प्रदर्शन कर रही है। तो उनका मुसलमान वोट खोने का डर नहीं है, होना चाहिए उनका मुसलमान वोट खोने का डर होना चाहिए। फिर भी उनको लगा अब हिंदुओं को भी थोड़ा सा इज्जत करना है, हिंदुओं का भी ख्याल रखना है, इसलिए इस बार जिस तरह 28,000 दुर्गा पूजा का, 10,000 का उन्होंने ये भी डोनेशन क्या नाम सरकार की ओर से सहयोग भी कर दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि उससे भी बड़ा बात यह है कि सभी प्रतिमाओं के लिए, सभी नहीं, 100 बड़े पंडालों के प्रतिमाओं के लिए उन्होंने कार्निवल का नाम से जो सरकारी व्यवस्था में विसर्जन का, सामूहिक विसर्जन का इंतजाम। इसका मतलब है आज हिंदू का ये जो मैंने शुरू में कहा कि हिंदू अवेयरनेस बना है, हिंदू कॉन्शसनेस बना है, इसलिए आज हिंदू भी यहाँ काफी हद तक एक बर्गेनिंग पावर में आ गया है, बर्गेनिंग पोजीशन में आ गया है। और उस बर्गेनिंग के लिए आज ममता बनर्जी को भी हिंदुओं को ख्याल रखना पड़ रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी लीडर के लिए, पॉलिटिकल लीडर के लिए पावर इज दी लास्ट थिंग, इस माने पावर वो चाहता है, पावर इज दी फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग, इसलिए पावर के लिए कभी उन्होंने काफी गलत मुस्लिम तुष्टिकरण किया था, लेकिन अब वो सुधारने के लिए कोशिश कर रही है। ये तो बात हो गई ममता बनर्जी की। सेंट्रल गवर्नमेंट जब से चेंज हुई है और मोदी जी की सरकार आई है, क्या इन्फिल्ट्रेशन में कोई कमी आई है? जो बांग्लादेश से मुस्लिम्स आते हैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स के रूप में, क्या उनमें कोई कमी आई है? क्या जो हिंदू वहां से आता है उनको संरक्षण मिल रहा है? मोदी जी 2014 में आने का बाद बॉर्डर के स्थिति में कुछ बदल जरूर हुआ है। पहली तो बात है कि जो काउ स्मगलिंग, बहुत बड़े तादाद में जो गाय का पाचार, गोवंश का जो पाचार होता था, बांग्लादेश में जाता था, उसमें तो अभी काफी रोका है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं, केवल एक साल भर उसमें रोक आई है। एक साल के पहले तक पूरा हो रहा था, अभी ताजा अभी गौ पाचार में बहुत बंद हुआ है, कम हुआ है। दूसरी, मुसलमान आने में भी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो हिंदू बांग्लादेश से जो आते हैं उनके लिए कुछ भी बदल अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार अमित शाह भी कह रहे हैं और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं उनका संरक्षण भारत करेगा, तो ऐसा दिख रहा है क्या? देखिए, ये तो कह रहे हैं, ये तो जुबान है, लेकिन इसका कोई कानून तो नहीं है। जैसा आज के तारीख में असम में जो एनआरसी हुआ, एनआरसी में जो 40 लाख नाम डिलीट हुआ, ये 40 लाख में तो कम से कम 20 लाख हिंदू नाम है, क्योंकि अभी तक तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है, प्रोविजन नहीं है क्या हिंदू को और मुसलमानों का अलग नजर से देखे।
बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हो मुसलमानों को यो सारे विदेशी आए, सारे फॉरेनर्स आए, क्योंकि कानून में कोई बदल नहीं हुआ है। एक बिल जरूर पार्लियामेंट में मूव हुआ है लेकिन पारित तो नहीं हुआ ना अभी तक, इसलिए अभी भी बांग्लादेश से आए हुए सभी हिंदू हो मुसलमानों विदेशी आए और वो डर में है कि कब क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं बंगाल के, वहां पर हमने सुना है कि शरीयत का कानून जैसी स्थिति लागू हो चुकी है और सरस्वती पूजा भी नहीं करने दी जाती? एक्चुअली ये बात कुछ हद तक सही है, ऐसा कि बॉर्डर एरिया में और एरिया में भी काफी जगह में जहां पहले 80% हिंदू स्टूडेंट होता था, आज वहां 20% हिंदू स्टूडेंट हो गया है, 80% मुस्लिम स्टूडेंट हो गया है, इसलिए मुसलमानों का दबाव से वहां सरस्वती पूजा अनेक स्कूलों में बंद हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। इतना ही नहीं, अनेक स्कूलों में नवी दिवस चालू हो गया कि हजरत मोहम्मद के जो जन्मदिन वो नवी दिवस में मनाते हैं, वो नवी दिवस चालू हो गया। अनेक स्कूलों में इस्लामिक जालसा शुरू हो गया, लेकिन इसके लिए बेसिक कारण है कि डेमोग्राफिक चेंज, मुसलमानों का संख्या इतना अधिक बढ़ गया है और परसेंटेज इतना बढ़ गया है, उसके दबाव से सरस्वती पूजा अनेक जगह में बंद होना, नवी दिवस चालू होना ये हो रहा है। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल अपीजमेंट, सरकार के अपीजमेंट में जो होता था उसके उसको ये मदद करता था, लेकिन अभी वो स्थिति सुधर रहा है, पॉलिटिकल अपीजमेंट अभी कम हो रहा है और जगह जगह में, जैसा एक स्कूल में हावड़ा जिला का तेहट्ट नाम का छोटा सा गांव है, उस स्कूल का सरस्वती पूजा सरकार ने गत साल से पिछले माने ये 2016 में वहां पर सॉरी 2017 में वहां पर उसमें सरस्वती पूजा मुसलमानों के दबाव से होने नहीं दिया था। इस बार 2018 में जनवरी में बहुत धूमधाम से वहां पर सरस्वती पूजा हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ, वहां मुसलमानों ने जिद किया था कि हमारे यहाँ भी मेजोरिटी है, 80% हमारे स्टूडेंट है, इसलिए अगर आप सरस्वती पूजा करोगे तो हमें यहाँ भी नवी दिवस मनाने देना पड़ेगा, ये उसने शर्त रखा था। लेकिन इस बार सरस्वती पूजा भी वहां पर हुआ और कोई नवी दिवस वगैरह कुछ नहीं हुआ। ये हावड़ा जिला में हुआ है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरह हुआ। लेकिन ये रियलिटी है कि अनेक जगह में सरस्वती पूजा बंद हो गया बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। किस तरह का डेमोग्राफिक चेंज आपको दिखाई दे रहा है और हिंदू का रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या वो पलायन कर रहा है या कुछ खड़ा हो रहा है? एक तो बंगाल में आज के तारीख में 3 जिला पूर्णतः मुस्लिम बहुल बन चुका, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर। इसके अतिरिक्त और कम से कम 5-6 जिला यहाँ पर 30% से ऊपर मुसलमान हो गया है, जिसमें दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, यहाँ तक कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर से बहुत दूर है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ये सभी जगह में 30% से ऊपर मुसलमान हो गया है। और जो विकास खंड होता है, यहाँ ब्लॉक कहता है, इसमें 100 से अधिक ब्लॉक में मुस्लिम बहुल बन चुका। जैसा मुर्शिदाबाद जिला में 26 ब्लॉक है, 26 में अब तो 26 ही मुस्लिम बहुल बन चुका। अब नॉर्थ 24 परगना, जिस नॉर्थ 24 परगना जिला सबसे अधिक हिंदू रिफ्यूज को शरण दिया, इसका मतलब वहां तो हिंदू परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू रिफ्यूजी केम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू दिस डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज दिस इज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एंड वेरी लॉन्ग बॉर्डर इज देयर, तो यहां पर हिंदू परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य बात है कि इस जिला में आज के तारीख में कम से कम 10 ब्लॉक यह मुस्लिम बहुल बन चुका। इसके कारण इन्फिल्ट्रेशन और मुसलमानों का जो बर्थ रेट अधिक है, तो इसलिए 3 जिला, 100 से अधिक ब्लॉक, विकास खंड मुस्लिम बहुल बन चुका। और हिंदू पलायन एक्चुअली आज से 10-20 साल पहले से हो रहा था, लोग शहर के तरफ भाग रहे थे और ये क्रम काफी चल रहा था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अभी इस क्रम में कुछ रुकावट आई है, क्योंकि हर गांव में जो पिछड़ा वर्ग अब खड़ा हो गया है, मुसलमानों के जाति के खिलाफ खड़ा हो गया है, वो अपना रेजिस्ट कर रही है हमारे पिछड़ा वर्ग, इसके कारण जो उच्च वर्ग या संपन्न वर्ग है उनमें भी थोड़ा सा मैंने एश्योरेंस मिला है, इसलिए माइग्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है मैं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है। कलकत्ता की हालत कैसी है? देखिए कलकत्ता में
ऑन पेपर तो 20% मुसलमान है, कुछ एरिया है जिसमें पाट सरकस मिटिया बुरुज खिदीरपुर राजा बाजार वगैरह कुछ एरिया है जहां मुसलमानों का संख्या बहुत है और बहुत अधिक डिस्टर्ब भी कर रहा था, लेकिन अब वो भी वहां पर स्थिति थोड़ा सा सुधरा है कलकत्ता में। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे हिम्मत आ रही है, आप बता रहे हैं कि हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं उन्होंने वो खड़ी हो गई हैं और बड़ी हिम्मत से मुकाबला कर रही हैं, तो क्या इन सब मुकाबला करने की वजह से क्या आपको लगता है कि लव जिहाद में भी कमी आएगी और दूसरी जो पलायन है उसमें तो आप बता ही रहे हैं कि कमी आ रही है, क्या लव जिहाद की स्थिति में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है? देखिए लव, जब मैंने कहा कि मुसलमानों का फिजिकल एग्रेशन काफी हद तक कम हुआ है, उसका शरारती उसका बुलिंग टेंडेंस ये काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन लव जिहाद बढ़ा है। और लव जिहाद बढ़ा इसलिए है क्योंकि उनके धोखे के कारण, वो बुलिंग से नहीं करते हैं, वो बिल्कुल हिंदू लड़कियों का धोखे से फंसाते हैं, और इस तरफ उनका ध्यान अब ज्यादा हो गया। और भी एक चीज शुरू है जो अभी तक जनता के ध्यान में नहीं आया है, उन्होंने एक दावत जिहाद शुरू कर दिया। दावत यानी वो हिंदू समाज के जो वल्नरेबल इंडिविजुअल या तो वल्नरेबल मेनली इंडिविजुअल अभी तक उसको आइडेंटिफाई करते, उसको जाकर दावत देते इस्लाम में आओ, इस्लाम ईसाई इस्लाम में आओ, और उसके साथ साथ कुछ इंसेंटिव भी देते थे, कभी कुछ लालची लोग रहते हैं कभी कुछ रहे, इसलिए दावत देके पहले तो केवल लाभ जिहाद से हिंदू लड़की मुस्लिम बनती थी, अब कुछ हिंदू पुरुष भी मुसलमान बनने लगे उनके दवा। और ये सारे चीज जो कभी जबरदस्ती से नहीं करते, धोखे से करते हैं, इसलिए लाभ जिहाद में बिल्कुल कमी नहीं आया, ये नया खतरा ये ज्यादा बढ़ा है। हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम से फंसाता है राजू मंडल, अब राजू मंडल से सीधे साधे लड़की वो तो उसको हिंदू समझेगी, उसके साथ अफेयर कर होता है, कभी थोड़ा सा हल्का सा उसका कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो फिर उसका फोटो ले लेता है, उसको वीडियो बना लेता है, और उसके द्वारा ब्लैकमेल करते हुए बार बार उसका यौन शोषण करता है और अंत तक उसको कन्वर्ट करके उसको शादी करता है। ये बड़ा है, घटा नहीं है। जब ये लोग धोखा दे रहे हैं हिंदू लड़कियों को और आकर बता रहे हैं कि उनका हिंदू नाम है, तो हिंदू लड़की कैसे समझे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, और कैसे लव जिहाद को रोका जाए? देखिए इसलिए सभी लड़कियों के लिए मेरा तो सुझाव ये है, मेरे अपील है कि आप युवा हो तो ये सहज बात है कि स्कूल में कॉलेज में आपका प्यार होगा, प्यार मोहब्बत इश्क होगा, इसको तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम एक बार आप उसका आइडेंटिटी जांच लो, एक बार आधार कार्ड देख लो, एक बार उसका कोई एडमिट कार्ड है सेकेंडरी एजुकेशन का, मैट्रिक एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड हो एक बार देख लो, नहीं तो फंस जाओगे, पूरा जिंदगी तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए पहले जिसके साथ तुम्हारा अफेयर हो रहा है आप उसका एक बार सही आइडेंटिटी आप जांच लो, आधार कार्ड देख लो, जैसे हर काम में आज आधार कार्ड लगता है, आप प्यार करने के लिए भी अभी आधार कार्ड आप कंपलसरी कर लो। ये मेरे बालिकाओं के लिए कन्याओं के लिए मेरा सुझाव है, लेकिन साथ साथ दुख के साथ ये भी मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि जो पढ़े लिखे बंगाली परिवार में, बंगाली हिंदू परिवार में अपने धर्म के प्रति आस्था थोड़ा ढीला हुआ है, घर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम दिन भर के लिए कुछ भी, दो मिनट के लिए भी कुछ नहीं है, पूजा पार बंगाल में पूजा तो बहुत होते हैं लेकिन पूजा आज केवल और केवल फेस्टिवल बन के रह गया है, इसलिए अपने सनातन धर्म के प्रति हिंदू धर्म के प्रति आस्था निर्माण करना ये भी हर परिवार के कर्तव्य है, लेकिन आज के माँ बाप पढ़े लिखे माँ बाप इतना अधिक सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, इतना अधिक कंज्यूमरिज्म से प्रभावित हो गया है, इसके कारण बच्चियों का बेटियों का धर्म के प्रति कुछ भी आग्रह नहीं रहता है, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। अब मुसलमान लड़का पहले उसको तो ये कहकर फंसाता कि मैं भी धर्म को कुछ नहीं मानता हूँ, बाद में जब एक बार शादी कर लेता है उसके बाद उसके ऊपर उस पर बुरका डाल देता है, उसके सारे अधिकार को
खत्म कर देता है, उसको मजबूर करता है बीफ खाने के लिए, उसको मजबूर करता है सारे इस्लामिक ये पालन करने के लिए। मेरे पास ये कितना अनुभव है, कितने है जो लाभ जिहाद में फंसे थे, फंसी थी, और उसके बाद वो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करने के कारण उसके ऊपर कितना टॉर्चर हुआ। ऐसा नहीं कि लड़कियों का हमने रेस्क्यू भी किया, रिकवर भी किया। कैसे करते हैं आप रेस्क्यू ऐसी लड़कियों को? देखिए, कहीं ना कहीं उनके पास हमारे, उनके माँ बाप के पास हमारे समाचार पहुंचता है, फिर उनके माँ बाप हमसे संपर्क करते हैं, फिर हम उसको हिम्मत देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं। वो अगर छोड़ के आना चाहती है, अनेक बार छोड़ के आना ही चाहती है, तो उसको छोड़ के आने के लिए हम पूरा मदद, कानूनी मदद और हर तरह का मदद हम करते हैं। तो क्या कहानियां बताती हैं वो, कोई स्ट्राइकिंग बात आप बता सकें जिससे लड़कियों को ध्यान आए कि क्या हो सकता है उनके साथ? अरे अभी अभी एक ताजा, एक मैंने एक ताजा बिल्कुल, वो जब पढ़े लिखी, बहुत पढ़े लिखी, वो TCS में काम करती थी, नौकरी करती थी, पहले उसमें एक्सेंचर में नौकरी करती थी लड़का लड़की, और लड़का मुसलमान लड़का, वो उसमें क्या नाम, वो जो कूपर प्राइस वाटर कूपर क्या था उस, हाँ, उसमें PwC में काम करता है। तो जब शुरू में प्यार हुआ, अफेयर हुआ, अब शादी की आप कल्पना नहीं कर सकते, जब वो जाने कि मुसलमान लड़का, पहले तो हिंदू लड़का जानता था, पहले हिंदू लड़का जानता था, मिठुन मंडल नाम से जानता था, बाद में जब जाने मुसलमान, फिर भी ये ब्राह्मण लड़की है, फिर भी उसने अफेयर को कंटिन्यू किया, क्योंकि लड़का ने बोला कि मैं तो कट्टर मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं करता हूँ। लड़की भी, हम बंगाली से सब सेकुलर होते हैं, हाँ लड़का बहुत लिबरल है। अब शादी मंदिर में जाकर किया, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को मंदिर में जाकर शादी किया, इसके कारण क्या हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। अगर दोनों पढ़े लिखे है, अगर हमारे जो स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें अलग अलग मजहब के अलग अलग धर्म के लड़का लड़की शादी कर सकता है, उसका स्वयं का धर्म को रखते हुए, वो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते तो रिकॉर्ड हो रहता। इसने कि लड़का ने लड़कियों की इस तरह धोखा दिया, अरे मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ, चलो मंदिर में शादी कर लेंगे, मंदिर में शादी कर लिया। और मंदिर में शादी कर लेने का बाद जब उसका एक बार विदेश जाने का हुआ, तब पासपोर्ट में तो लड़की का मुसलमान नाम था, और उसको ये देना है पासपोर्ट के लिए, पति पत्नी का दोनों का नाम देना पड़ता है। तो बता, तो एक काम करो, केवल पासपोर्ट को बदलने के लिए एक एफिडेविट कर लो, वो कोर्ट में भी जाना नहीं पड़ेगा, वो घर में बैठ कर वो मैनिपुलेट करके एफिडेविट करके वो बनर्जी से मुखर्जी से वो हक बन गई लड़की। फिर दोनों विदेश गए, जर्मनी गए, जर्मन में एक साल रहा, उसके बाद आया, बच्चा हो गया, बच्चे का नाम भी मुसलमान रख दिया, और फिर उसके बाद उसको दबाने लगा कि तुमको अभी ये करना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, तुम्हें हिजाब लगाना है। अच्छा, लड़की पूजा में जाती थी, कि शुरू में तो लड़का ने बताया ना, मैंने बहुत लिबरल हूँ, लो दुर्गा पूजा में जाती है, कोई मना नहीं करता, अब तुमको दुर्गा पूजा में नहीं जाना है, वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना है। इस तरह ऐसे अनेक केस में स्वयं टैकल किया, मजेदार बहुत सारे एक एक कहानी है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या दूसरी तरफ से ऐसा हो रहा है क्या, कि क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की तरफ आ रही हैं क्या? बहुत आ रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मुस्लिम लड़की भी समझती है कि उसका जीवन एक कृतदास की स्लेव के जीवन है, मुस्लिम लड़की भी समझती है, लो हिंदू लड़का से वो भी अफेयर करना चाहती है। लेकिन मुश्किल है कि हिंदू लड़का में हिम्मत कम होता है, तो जो हिंदू लड़का में हिम्मत होता है, ऐसा अनेक मुस्लिम लड़की, मैं तो पक्का ये मानता हूँ कि हजारों के ऊपर मुस्लिम लड़की अब हिंदू लड़का से शादी, बंगाल में शादी कर लिया और अच्छे रह रहे। मैंने खुद ही 300 के ऊपर हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के के साथ शादी कराना, उसका घर बसाना, उसका सब कुछ करने के लिए, उसका हिंदू धर्म में अडॉप्ट करना, इस सब कुछ करने के मदद किया। बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उनकी हालत बहुत खराब है, सरकार की तरफ से भी कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा है, कैसे बचेंगे हिंदू बांग्लादेश के? मेरा सीधा कहना है कि एक मुस्लिम दुनिया में कहीं पर,
एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में माइनॉरिटी के तो इज्जत के साथ रह नहीं सका, तो बांग्लादेश में क्या उसके एक्सेप्शन होगा? कुछ एक्सेप्शन नहीं होगा। ये बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना है तो भारत का आर्मी बांग्लादेश में घुसाना है, बस सीधी बात, और कोई बात नहीं आई। भारत के आर्मी जाकर बांग्लादेश में वहां माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये करेगा कौन? मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी अब सेकंड टर्म में आएंगे तब करेंगे। फर्स्ट टर्म में उनके बहुत प्रॉब्लम्स रहा, बहुत हर्डल्स रहा, तो अनेक बात जो मोदी जी फर्स्ट टर्म में नहीं कर सके, हमारे उम्मीद है कि सेकंड टर्म में करेंगे। आपने मोदी जी से बात की इस विषय पे? नहीं नहीं, मुझे कोई मोदी जी से बात करने का मौका नहीं मिला। तो आप इसको ये आइडिया को आप अगर दें, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसकी जो पॉपुलेशन का 15% हिस्सा है वो भारत में बस चुका है आके, और जो माइनॉरिटीज थे बांग्लादेश के पार्टीशन के करीब, पार्टीशन में वो करीब 20% के करीब थे, तो 29 पार्टीशन के समय ईस्ट पाकिस्तान में 29% हिंदू था, अब वो आज जाकर 8% में पहुंच गया। हाँ, तो अगर ये जो लैंड है बांग्लादेश का अगर पॉपुलेशन के प्रपोर्शन से दी जाए तो इंडियन आर्मी को उतना लैंड कब्जा कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बांग्लादेश का 20% लैंड हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा 20% पॉपुलेशन का मैं आज वहां 8% आ गया, यानी 20% इधर 21% इधर आ गया। बांग्ला क्रेसेंट में भी हमने ये आइडिया दिया था बहुत साल पहले, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल वर्क इस पे नहीं हुआ और कोई इस पे आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई कि हमारे लीडरशिप में हिम्मत नहीं है। आज के तारीख में आप बताइए कि अमेरिका का फौज दुनिया के कितने देशों में है या नहीं है? हाँ जी। रशिया का फौज कितने देशों में है? हाँ जी। तो फिर भारत का फौज बांग्लादेश में रहेगा तो क्या इसमें दिक्कत है? या तो उसके 20% जमीन ले लो, या तो माइनॉरिटीज के सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए भारत का फौज बांग्लादेश के अंदर रहे, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तपन जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हिंदू समाज के लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि पूरे देश में एक इस तरह की स्थिति बन रही है कि आज हिंदू को गाइडेंस की जरूरत है, नहीं तो बहुत भारी प्रॉब्लम में वो फंस जाएगा। देखिए, पूरा देश ही आज एक इस्लामिक कट्टरता से जूझ रहा है, और हमारे पूर्वी भारत यानी असम, बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ तक कि बिहार भी इस प्रॉब्लम से कुछ अधिक फेस कर रहा है। मेरा एक ही संदेश है, एक ही अपील है कि हिंदू, तुम इस देश में अपने ही धरती पर तुम सुरक्षा चाहते हो और इज्जत चाहते हो, तुम इज्जत के साथ सुरक्षित रहना चाहते हो, तो मैं पूछता हूं, समाज से पूछता हूं, एक सामान्य हिंदू से पूछता हूं कि आप तो सुरक्षा चाहते हैं और इज्जत चाहते हैं, लेकिन ये जो चाहने के लिए, ये पाने के लिए आप कीमत क्या देने के लिए तैयार है, ये कृपया मुझे बता दीजिए। हाँ जी, मैं तो 5 साल के बाद एक बार वो पोलिंग बूथ में जाकर एक बटन दबाऊंगा, टी आवाज होगा ना, वो मैं सही जगह पर बटन दबाऊंगा। बस 5 साल में एक बार पोलिंग बूथ में जाकर एक बटन दबाना, इतना ही कीमत आप देना चाहते हैं आपकी सुरक्षा और इज्जत के लिए? यानी आप केवल और केवल सरकार पर आप भरोसा करते हैं कि सरकार आपको बचाएगा, क्या सही है? इसलिए आप जरूर सही जगह पर बटन दबाओ, लेकिन केवल उस मूल्य पर, आप इतना अधिक प्रत्याशा मत करो, एक्सपेक्ट मत करो। आपको समाज को सशक्त बनाना है, समाज को संगठित बनाना है, समाज में एक दिलेर, एक करेज पैदा करना है, निर्माण करना है। अब क्या करेज निर्माण होता है? होता है, लेकिन उससे भी आसान है कि समाज में जो दिलेर वर्ग है, जो साहसी जातियां हैं, उनका भी इज्जत दो, उनको आप क्षत्रिय का दर्जा दो, रेस्पेक्ट दो, इतना तो कीमत दो, तब आपका देश भी सुरक्षित रहेगा, आपकी समाज का इज्जत भी सुरक्षित रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि केवल राजनीति और सरकार पर सारे काम मत छोड़ दो। मुझे याद आ रहा है अनेक, मैं तो आरएसएस का पुराने स्वयंसेवक कार्यकर्ता हूं, कि मोरोपंत पिंगले जी आरएसएस के बड़े अधिकारी होते थे, तो मोरोपंत पिंगले जी बोलते थे, कहते थे
अरे देखो भाई तुम्हारे जो डेमोक्रेसी ना बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत गलत है। क्या है कि डेमोक्रेसी से आम लोगों में एक मेंटेलिटी पैदा हो जाता है कि मैं तो एक बार वोट दूंगा और सारे काम सरकार करेगा, कि समाज के कुछ करने का नहीं है, कर्तव्य नहीं है, सब कुछ करना सरकार की है। ये डेमोक्रेसी की ये एक नेगेटिव साइड है कि सारे काम सरकार पर डाल देते हैं। इसलिए आज जबकि हम एक इस्लामिक सेपरेटिज्म का सामना कर रहे हैं, इस इस्लामिक सेपरेटिज्म एक बार हमारे देश का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, इस इस्लामिक सेपरेटिज्म ये कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया, आज फिर भारत को ये इस्लामिक थ्रेट से बचाना है, तो केवल सही जगह पर बटन दबाकर अपने कर्तव्य पूरा हो गया ये मत समझ के, जहां जो हिंदू समाज के इज्जत के लिए जो लड़ रहा है उनका मदद करो और पिछड़ा वर्गों को इज्जत दो। ये सोशल इक्वालिटी ये हमारे देश को बचाएगा। बस इतना मेरे समाज से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद तपन घोष जी, आपने जो इंटरव्यू दिया उससे हिंदू समाज में बहुत शक्ति का संचारण होगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।